ले चलते आपको नारायणपुर की खबर की ओर, जहां पर सरकारी विद्यालय के शिक्षिका द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को किया गर्म कपड़े वितरित। राज्य के विद्यालय नारायणपुर के प्रांगण में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं विद्यालयों की शिक्षिका श्रीमती आशा कालरजी द्वारा 210 गर्म स्वेटर का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य जी नरेंद्र सिंह चौहान एवं समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। श्रीमती आशा कालरा जी 3 वर्षों से लगातार जरूरतमंद छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित कर रही है। आशा कालरा जी की पहल पर ग्रामवासियों और छात्र छात्राओं में खुशी देखी गई। समस्त विद्यालय परिवार द्वारा आशा कालरा जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। मीडियम स्कूल में जो हमारे अध्यापक महोदय बैठे हैं, अध्यापिका जी, इनके माध्यम से विगत 3 साल से गर्म बच्चों के लिए जो स्वेटर बांटी जा रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस प्रकार के शिक्षक भी आज के इस दौर में, आज के इस भौतिकवाद के दौर में ऐसे शिक्षक विद्यमान हैं जो अपनी नेक कमाई से, अपनी जेब से पैसे निकालकर और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आगे बढ़कर उनकी ज़रूरत को देखते हुए उनकी उस कमी को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इनकी जो है सोच इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और समाज कार्यों में हमेशा ही अग्रणी रहें। धन्यवाद। नमस्कार मैम, विगत 3 साल से आप गरीब बच्चों को सरकारी संस्थान में कार्यरत होने के बावजूद भी आप इस पर का दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये सोच आप में कैसी आई सर? सर मैं भी अपने जीवन में बहुत चोट खाई हुई, तकलीफों से गुजरी हुई हूँ, एकल महिला हूँ, तो मैंने भी जीवन में बहुत अभाव देखे हैं। तो मैंने ये कार्यक्रम पिछले 3-4 साल से जब बच्चों को बिना स्वेटर के देखा तो मुझे हार्दिक दुख हुआ, और उसके बाद पहले साल तो मैंने अपने स्वयं के खर्चे से दिए, उसके बाद मुझे लगा सभी बच्चों के लिए देना आवश्यक है, तो मैंने अपने रिलेटिव से, आम लोगों से पैसे इकट्ठे करके सभी बच्चों को देना प्रारंभ कर दिया। थैंक यू मैम।